सफल होना है तो अपने कामों में डूब जाओ, क्योंकि सफलता की सबसे खास बात क्या है पता है? क्योंकि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। मैं बता दूं सर आपको, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते खेलते अगर वो 2-3 साल बाद कहता है कि नहीं अब मुझे बिजनेस करना है, तो आज वो कहाँ होता। लेकिन सचिन तेंदुलकर को 100% भरोसा था अपने आप पे कि मैं यही करूँगा और इस काम में मुझे सफलता मिलेगी। साइना नेहवाल टेनिस खेलते खेलते अगर वो सोचती कि मैं चल जाऊँ एक्ट्रेस बन जाऊँ, तो आज वो कहाँ होती। उसको भी पता था, अपने कामों पे 100% भरोसा था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है और सफलता मुझे इसी को करने में मिलेगी। विराट कोहली अगर क्रिकेट खेलते खेलते अगर क्रिकेट को छोड़ के किसी और दुनिया में किसी और प्रोफेशन में चले जाता, तो आज वो इतना महान क्रिकेटर नहीं बन पाता। अमिताभ बच्चन एक्टिंग करते करते 2-3 साल बाद छोड़ देता और वो चले जाते सिंगर बनने, तो आज वो कहाँ होते, सभी के महानायक नहीं कहला पाते। इन सभी को अपने आप पे भरोसा था, 100% भरोसा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और मैं इस काम में सफल होऊंगा। और ये बात सच है, आप ये दिमाग में ठान लो और इस चीज को मान लो कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या कर रहे हो। आप अपने प्रोफेशन से प्यार करो, चाहे कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो। अगर जिंदगी में सक्सेस पाना है, सफलता पानी है, तो अपने कामों में डूब जाइए। सर आपका जो भी प्रोफेशन है उससे मोहब्बत कर लीजिए, उससे प्यार कर लीजिए, सारा फोकस उसी पे कीजिए। ये गारंटी है कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे अपने प्रोफेशन में और सफलता आपके कदमों में होगी, क्योंकि सफलता मेहनत करने वालों को फिदा हो जाती है। मैं बता दूं, आज से 70 साल पहले एक मूवी आई थी मुगले आजम। मुगले आजम का वो गाना कौन सा था, हाँ प्यार किया तो डरना क्या, जब सलीम और अनारकली को जब किरदार के लिए कैरेक्टर के लिए उसको शूट करना था, तो उसके पीछे तानसेन बहुत ही मतलब बड़ा म्यूजिक बाद आप सभी लोग जानते हैं। तो जब तानसेन वहाँ पे म्यूजिक कर रहा था, नौशाद अली खान सर, नौशाद अली खान से मुगले आजम के जो डायरेक्टर थे के आसिफ, उन्होंने पूछा कि मुझे तानसेन जैसा कोई और सिंगर चाहिए जो इसको गा सके, इसे पूरा कर सके, ऐसा कोई है तो मुझे बस आप बताओ। तो नौशाद अली ने बोला कि हाँ एक इंसान तो है, बड़े अली खान साहब। तो बड़े अली खान साहब है क्या कि वो फिल्मों में गाना नहीं गाते हैं, वहाँ जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो के आसिफ सर बोले कि नहीं आप मुझे लेकर तो चलो वहाँ पे, और दोनों गए बड़े अली खान साहब के पास। जब वहाँ पे पहुँचे तो बड़े अली खान साहब नौशाद अली को पहले से पहचानते थे, तो उन्होंने पूछा क्या रे कैसे आना हुआ, क्या आना हुआ, सब बैठे। तो नौशाद अली ने बोला बड़े अली खान साहब से कि सर ये अपनी फिल्मों में आपसे गाना गवाना चाहते हैं। तो वो बोले कि नहीं मैं फिल्मों में तो गाना नहीं गा सकता हूँ और नहीं मैं गाता हूँ। और के आसिफ शिकार के बहुत बड़े शौकीन थे, शिकार पिया और बोला गाना तो आफी को गाना पड़ेगा। तो बड़े अली खान साहब बोले कि अरे यार कौन आदमी है, मैं नहीं गाता हूँ। नौशाद अली खान साहब बोले कि सर मैं इन्हें समझाते समझाते थक चुका हूँ कि वो नहीं गाते हैं। तो फिर के आसिफ सर ऐसे एक टांग खींचे सिगार का और बोले गाना तो आफी को गाना पड़ेगा। तो बड़े अली खान साहब बोले कि ठीक है आप चलिए, आपसे कुछ बातें करनी है, एक रूम में चलिए। और दोनों रूम में गए और नौशाद अली को बोले कि मैं अकेले में इनसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है,
मैं गाना गाऊंगा आपकी फिल्मों के लिए, बट मैं 50,000 रुपया लूंगा। उस टाइम में एक सिंगर को 500 रुपया महीना मिलता था, 500 रुपया, और पूरी पिक्चर का बजट था 50,000 रुपीज। के आसिफ ने शिकार की एक टान ली और कुर्ता पहने हुए थे, उन्होंने 10,000 की गड्डी निकाली और रख दी और बोला गाना तो आफी को गाना पड़ेगा। और फिर जब मुगले आजम रिलीज हुई तो आप लोग जानते ही हैं कि कितनी बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, क्योंकि के आसिफ को अपने कामों में टूट जाना बेटर लगा। वो सोच लिए थे कि मुझे इस काम से मोहब्बत है, इससे प्यार है, मैं इस फिल्म को डायरेक्ट करके रहूँगा और बना कर रहूँगा, इस मूवी को मैं बना कर रहूँगा। और उस फिल्म को बनाने में 16 साल 16 ईयर्स लगे और उन्होंने सक्सेस पाया। मैं एक बार जब नौशाद अली खान साहब की मैं जब संजीवनी पढ़ रहा था तो उसमें देखा लिखा हुआ था कि उनकी चारों उंगलियां, ये जो गैप है, ये सब जली हुई थी। जली किस कारण से थी? सिगार पीते पीते। जब वो सिगार पीते थे अपने कामों में ध्यान में गुम हो जाते थे, सिगार उंगली को जलाती हुई बुझ जाती थी, उनका ध्यान नहीं भटकता था। यही खासियत है। अपने प्रोफेशन में डूब जाइए, अपने काम से प्यार कीजिए, आप जो भी कर रहे हैं उससे बेपनाह मोहब्बत कीजिए। सफल आप जरूर होंगे, जिंदगी में आप जरूर सफल होंगे, ये 100% श्योर है।